आज मैं बना रही हूँ प्याज का तेल। तो प्याज का तेल बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है, साथ में करी पत्ता ले लिया है और मोटे मोटे तीन प्याज काट लिए मैंने। अब प्याज को मिक्सी में पीसना है हमें, इसलिए हमने मोटे मोटे काटे थे। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली, लोहे की कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया गर्म होने के लिए और साथ में ये डाल दिया कि पीसे हुए प्याज। तो प्याज को हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल भी धीमी धीमी आँच पर पकाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और धीमी धीमी आँच पर पलाएंगे। अगर ये प्याज का तेल जल जाता है हमारा तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, अगर कच्चा रह जाता है तो बालों में स्मेल आएंगी तो हमें अच्छा सही नहीं लगेगा। इसलिए पकाते वक्त आपको प्याज इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, धीमी धीमी आँच पर पकाना है, जलना भी नहीं चाहिए और अच्छी तरह पक भी, कम से कम हमें मिनिमम 10 मिनट लग जाएंगे इसके लिए। तो हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल को, आज आप देख रहे हो कि कितने बालों में रूसी हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं और बाल से रूखे से भी दिखते हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए हमें बालों में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये प्याज का तेल हमें मार्केट में केमिकल भरे हुए तेल होते हैं तो हमारा मन करता है कि ये तेल सही है या नहीं है, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को मत रखिए, घर में आसानी से ये तेल बन जाएगा, बिल्कुल भी सस्ते में बनता है। आप इसे बनाइए, बालों में लगाइए और बिल्कुल भी परेशानी, रात को आपको लगाना है इस तेल को, लगाते समय जरूर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप गर्म गर्म पानी लीजिए एक कटोरी में, उसमें छोटी कटोरी रखिए और उसमें ये तेल डालिए और उस तेल से आप बालों के जड़ों में मालिश किए, बस फिर रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए, सुबह बाल धो दीजिए बिल्कुल, तो आप देखेंगे बालों में चमत्कारिक रूप से असर होगा। एक महीने में आपके बालों में आपको सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्याज का तेल बना करके कांच की बोतल में भर के रख दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी ये तेल हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि नहीं बढ़िया है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो बस, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप दूसरों को भी इस तेल के बारे में पता चले। तो तेल हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसे आप कांच की बोतल में भर के रख दीजिए और इस तेल को आप एक महीना इस्तेमाल कीजिए। एक महीने में आपको पूरा इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि तेल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप बच्चे अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमें ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तेल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।